हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और आप इसको किसी भी रूप में खाएं, ये हमेशा फायदा ही करता है। तो आज हम आंवले का ऐसा अचार बनाएंगे जिसे कि आप झटपट बनाकर तुरंत खा सकते हैं। ये अचार खाने में तो टेस्टी है ही, साथ ही साथ बनाने में भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस अचार को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। इस अचार को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम आंवला, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी, 1/3 छोटी चम्मच हींग, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1/3 छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 छोटी चम्मच। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 7 से 8 हरी मिर्च को बीच में से काट के लिया है। 3 इंच अदरक के टुकड़े को लंबा लंबा और पतला पतला काट कर लिया है। तो चलिए हम आंवले के इस झटपट बनने वाले अचार को बनाना शुरू करते हैं। और हर बार की तरह आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। पहले हम आंवलों को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और जो इसकी गुठली है उसको अलग कर देंगे। हमने सारे आंवलों को काट लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े पीसेस नहीं है, छोटे पीसेस हैं, जिससे कि ये आसानी से पक सके। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और तेल को हल्का गर्म होने देंगे। तेल हल्का गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई डालेंगे। राई को हम थोड़ा सा फूटने देंगे। तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देना है, वरना जो हम इसमें मसाले डालेंगे वो जल जाएंगे। राई अच्छे से फूटने लगी है, अब हम गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, हींग, लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कटे हुए आंवले डालेंगे, हरी मिर्च और अदरक डालेंगे। नमक भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। गैस को मीडियम लो करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार चला भी लेंगे, जिससे कि ये तले में लगकर जले नहीं। 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए जो आंवले हैं वो हल्के पक गए हैं। इस तरह से काटने पर ये आसानी से कट रहे हैं, तो इसको हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। अब हम गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि गरम मसाले का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाएगा और जो आंवले हैं वो थोड़े और अच्छे से पक जाएंगे। बीच बीच में इसे 1 से 2 बार चला भी लें, जिससे कि ये तले में ना लगे। आंवलों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, केवल इतना पकाना है कि खाते टाइम वो कच्चे ना लगे। अब इसको ढकने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही खोल कर पकाना है। 5 मिनट और हो गए हैं इसको पकते हुए और हमारा इंस्टेंट आंवला पिकल यानी कि झटपट बनने वाला आंवले का अचार तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आंवला कितनी आसानी से कट रहा है। इसका मतलब ये पक चुका है और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। जब आंवला इस तरीके से कटने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका अचार बन करके तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। हमारा आंवले का अचार बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आंवले का अचार बन करके तैयार है। मैं इसे हेल्दी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आंवले का अचार है और आंवले को आप किसी भी रूप में खाएं वो हमेशा फायदा ही करता है
और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आप इस अचार को फ्रिज में रखकर आराम से महीने भर तक खा सकते हैं। आप इस अचार को पूड़ी या पराठों के साथ खाएं, लंच या डिनर में खाने के साथ लें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।